बांग्लादेश से अभी की बड़ी खबर में आपको बता दूं, हिंदुओं पर वहां हमले नहीं रुक रहे हैं, लगातार अल्पसंख्यकों को निशाने पर लिया जा रहा है। अभी चटगांव से खबर यह है कि हिंदुओं के घरों पर हमला किया गया है, रावजान इलाका जहां पर हिंदुओं के घर जला दिए गए। आप देख रहे हैं किस तरीके से अराजकता की इंतहा यहां पर नजर आ रही है, चुन चुनकर हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं। कट्टरपंथियों की जो जमात है बिल्कुल वहां पर तालिबानी कहर बरपाती हुई नजर आ रही है। तो तख्ता पलट के बाद से ही आप देख रहे हैं बांग्लादेश बिल्कुल जलता हुआ, हर तरफ से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो चिंता वाली बात, एक आम शहरी का वहां पर जीना मुहाल हो चुका है। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये रावजान इलाका है जहां पर हिंदुओं के घर जलाए गए हैं चटगांव में। ये पूरा इलाका, ये पूरी बस्ती जो हिंदुओं की बस्ती बताई जाती है जिसमें आग लगा दी गई, कई हिंदुओं के घर फूंक दिए गए, मंदिरों पर हमला हुआ, दुकानों में आग लगा दी गई। तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर वहां पर लॉलेसनेस की जो स्थिति है उसके लिए जिम्मेदार कौन, और अगर सेना ने अपने कब्जे में ले रखा है मुल्क को तो फिर सेना के लोग इन लोगों के जान की हिफाजत क्यों नहीं कर पा रहे हैं। जिंदा जला दिया जा रहा है लोगों को, आप सोच रहे हैं हैवानियत की इंतहा हो चुकी है। कुछ मंदिरों पर भी हमले की सूचना मिल रही है। ये जो दो बीच की तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर, एक मंदिर परिसर में कैसे आग की लपटें उठ रही हैं वो आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे। कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया, बाजार में भी आग लगाई गई है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात ये कि वहां पर जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं हिंदू, उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जा रहा है, कईयों के घरों में आग लगा दी गई है और सेना वहां की बिल्कुल मूक दर्शक बनी हुई है। पुलिस सरेंडर कर चुकी है। आपको पता है कल ही खबर आई थी कि पुलिस वाले खुद कह रहे हैं कि हमें सुरक्षा चाहिए, हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आम लोग अब वहां कहां जाएं जान बचाने के लिए, किससे गुहार करें। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।